हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो बहुत ही सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके मुझे पूछा है। तो लास्ट डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का वीडियो आप लोगों ने देखा ही है और उसमें सारा कुछ डिटेल्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है। आज का वीडियो में सिर्फ मैं ब्रोचर डिस्कस करने वाली हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, कैसे आपका परसेंटेज लिया जाएगा, कितना मार्क्स रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा और सिलेबस क्या होगा। तो कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आएगा, देखो जनरल इंग्लिश अगर होगा तो कितना मार्क्स का आएगा, जीके होगा तो कितना मार्क्स आएगा, तो सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट हम पहले ओपन करेंगे और पेज ओपन होते ही हमें डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन। तो पहले हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके थे, पर आज हम डाउनलोड करने वाले हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो वो एक इन्फॉर्मेशनल फाइल है, तो वहाँ पे एकेडमिक एग्ज़ाम पैटर्न्स लिखा हुआ है और बहुत सारे डिटेल्स है जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम उसके बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ, बीएड प्रोग्राम जो है 2 साल का कोर्स है, उसमें 4 सेमेस्टर रहता है और एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया मैंने पहले भी बता दी हूँ आप लोगों को, तो पहले वाला वीडियो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ स्टार्टिंग से पूरा वो डिटेल्स वीडियो देख लेना। और बाकी जो इम्पोर्टेंट जो आज डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ, तो डायरेक्टली हम लोग वहाँ चलते हैं, ठीक है। और आज का डिस्कशन टॉपिक है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, मतलब एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं डिटेल्स में बता देती हूँ, ठीक है। तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा बीएड प्रोग्राम का, तो उसमें आपको 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको बैठना है, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द कैरियर परफॉर्मेंस विल कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 30 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज सिक्योर्ड इन द SSLC, HS, द फर्स्ट डिग्री एंड और मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन। इसका मतलब है आपका 30% मैक्सिमम ऑफ 30% मतलब आपका कैरियर परफॉर्मेंस लिया जाएगा फ्रॉम SSLC, HS एंड BA डिग्री या फिर MA डिग्री, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज डिटेल्स में बता दिया गया है कैसे 30% आपका लेगा, ठीक है। तो इसमें बताया कि HSLC में आपने जितने भी परसेंटेज आपको मिला है, अगर 80% मिला है तो उसका 10% मतलब 8 आपका मार्क्स लिया जाएगा, और HS में भी ऐसे ही आपका 10%, बैचलर डिग्री में से 10%, बैचलर डिग्री नहीं है तो मास्टर्स डिग्री में से आपका 10% लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है, इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स 53% इन द फर्स्ट डिग्री एग्जामिनेशन मेजर या फिर एग्री ग्रेड, 53% अगर आपको मिला है तो उसमें से आपका कैरियर परफॉर्मेंस होगा 5.3, तो 10% ऐसे लिया जाता है, ये डिटेल्स में बता दिया है। और अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, द फॉर्मेट फॉर द BSCET 2022, मतलब आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ सिलेबस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंट्रेंस टेस्ट होगा 70 मार्क्स का, जो MCQ क्वेश्चंस आएगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 4-5 रहेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होता है। पहले जनरल इंग्लिश का आएगा 15 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 25 मार्क्स, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 10 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स एंड टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स। तो ये सारा कुछ सिलेबस है, आप लोग इसका पूरा डिटेल्स में पढ़ते रहो, अभी से स्टार्टिंग कर दो प्रिपरेशन करना एग्जाम के लिए। एंड द टेस्ट विल बी 1 hour 30 minutes ड्यूरेशन फ्रॉम 11 AM टू 12:30 PM। तो 1 घंटा 30 मिनट का एक एग्ज़ाम होगा 11 AM से 12:30 PM तक। तो अभी देखते हैं बाकी का जो इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया है, कुछ ऐसा है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो सेंटर्स भी मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अभी देखते हैं शेड्यूल। तो अप्लाई कर सकते हो आप लोग 20 तारीख से जून महीने का, और लास्ट डेट है 19 तारीख जुलाई महीने का, और बीएड एग्ज़ाम होगा 10 अगस्त को, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी निकलने वाला है बहुत ही जल्द, तो 20 अगस्त को निकल जाएगा। तो अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आप लोग जान पाए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करो, ठीक। तो मैं अभी जा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो एडिट करने, तो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।